तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रोनित व्लॉग्स पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं यार, कसम से। तो आज है वैसे लॉकडाउन, यूपी में तो लॉकडाउन लगा ही है, तो क्यों ना बनाया जाए गोल गप्पे घर पे। तो अभी मैंने देखा मार्केट थी बंद, तो हमने सोचा घर ही वाले सामान से बनाया जाए। तो घर में रखी थी मेरे पास सूजी एंड आटा, आटा क्या होल व्हीट फ्लार, और ये पैकेट पड़े थे जलजीरा वाले, ये जिसमें एक मॉडल आंटी बनी रहती हैं, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जूस पीते हुए, पता नहीं क्या जूस में खास है। तो अभी आज हम लोग इससे बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे, तो चलिए अभी मेरे साथ बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रवा और आटा, उतनी सेम क्वांटिटी में लेंगे। तो पहले हम रवा डालेंगे, ये चला हुआ है दोस्तों, इसको प्लेट साफ करें। तो दोस्तों ये चला हुआ आटा है, चला क्या विनोर, अरे चार क्या नहीं, आटा साफ करके दिया है, दोनों को मिला लेंगे। आटा अभी आधा रख लेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये रवा के बना रहे, मुझे रवा के ज्यादा टेस्टी लगते हैं, रवा के क्रिस्पी बहुत बनते हैं। और एक तरफ हम चढ़ा देंगे थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे ऑयल होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। कैमरा सेट करना भी बड़ा आफत है। तो अभी हम आपको सीधा प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आटा मिला लिया है और रवा भी, और मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो अब डालेंगे तेल। अब तेल को मिलाना है, वो गर्म है। दोस्तों केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ऐसे मुट्ठी बन जाना चाहिए, तब तक आपको मिक्स करना है। अब हम डाल देंगे अपना गुनगुना पानी। ओहो गरम है बहुत। तो जब हम आटा आपको सान लेंगे तब दिखाते हैं आटा। दोस्तों आधे घंटा हो चुके और मेरा आटा सेट हो चुका है, तो अभी आपको दिखाते हैं किचन की हालत और आटा भी। देख सकते हैं किचन की हालत, अब मम्मी हम मारेंगी पक्का। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गर्म होने के, अभी स्विच ऑन करते हैं और आपको अपना हम आटा दिखा देते हैं। आटा ये सेट हो चुका है, ये मैं जल्दी रह पा के। तो अभी हम पता नहीं, हम मम्मी मारेंगी नहीं यार। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आटा सेट हो चुका है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल लीजिए इसको। जैसे हो रहा है वैसे बेल रहे हैं। अब हम ऐसा कुकी कटर या मसालदानी वाली कटोरी लेंगे इसको काटने के लिए, तो अब इसको काटते हैं।
अभी थोड़ा पतला हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे बताशे ओहो बेस्ट फ्रेंड अभी मैसेज ना कर। तो अब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके अभी आपको दिखाता हूँ बताशे के पूड़ियाँ। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपने बताशे। ओहो बढ़िया बन गया यार ये यार ये बन गया। पसीना आ रहा है मेहनत का फल। देखिए एक कुछ का निकल आया है एक कुछ का निकल आया। गोलगप्पे बन चुके हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले हैं। ये देखिए आम अभी नहीं खाएंगे और पहले पानी बनाने सीखते हैं फिर पानी बनाएंगे फिर पानी से टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। पसीना आ रहा है देख रहे हो मेहनत। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब। तुम लोग सोच रहे हो फिर वही डायलॉग करी बार बार बोलो हर जगह पे बोलो और कर ही दिया होगा। तो भाई अगर नहीं भी किया है तब भी कर दो। चलो हम लेंगे ये भगोना इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब हम पानी ले चुके हैं अब हम डालेंगे ये वाला। यहाँ मेरे यहाँ था नहीं कोई था नहीं लॉकडाउन है वैसे भी समझ लॉकडाउन वैसे भी है समझ ही रहे हो तुम लोग। तो अब हम डालेंगे इसको हमने 5 रुपए पैकेट लिए थे 1-1 रुपया जो रखे हुए थे। एक्चुअली हम लोग जो रथ यात्रा के समय हम लोग बांटते हैं तो हर बार पैकेट बच जाते थे तो वही रखे रहते थे गर्मी में पीने के लिए। अब हम लेंगे अपना खास हथियार। ये यहाँ हमारा हथियार। अब हथियार भवन जल्दी
तो अब हमारा पानी बन चुका है, अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो अब हम अपना लेंगे पुचका, अब इसको फोड़ेंगे, अब पानी में डालेंगे और टेस्टी बना। बिल्कुल जैसे वृंदावन में बताशे का स्वाद आता बिल्कुल वैसे ही। तो अब आपको एक खिलाता हूँ, ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो, पहले बोल चुका हूँ और बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी घर पर रहिए, सेफ रहिए और ऐसे ही कुछ ट्राई करते रहिए, अजीब हो जी मम्मी की डांट खाते रहिए। चलिए बाय, स्टे सेफ।